हाँ जी आत्मा ने जो पुरुषार्थ किया है वो ऊंचा नीचा पुरुषार्थ किया है या सबने एक जैसा पुरुषार्थ किया है? तो जिसने जाति पुरुषार्थ किया है उसके नीचे दूसरे लटकते नहीं जाएंगे? प्रश्न किया है जो अमृत वेले का क्लास होता है उसमें बाप टीचर सदगुरु पार्ट बजाता है तो क्या शाम के क्लास में नहीं बजाता है? बेसिक नॉलेज में छिहत्तर तक या उससे पहले टीचर का पार्ट था है? नहीं था उस समय अमृत वेला था या नहीं था है? अमृत वेला तो था, अमृत वेला था संसार का होता है तो उसमें तो सारा अमृत वेला बाप प्रत्यक्ष नहीं था। बाप के प्रत्यक्ष होने से पहले ज्ञानसूरी के प्रत्यक्ष होने से पहले अमृत वेला होता है और ज्ञानसूरी प्रत्यक्ष ही ना हो तो अमृत वेला भी नहीं। तो टीचर कब होता है? टीचर के रूप में बाप है 76 से कहेंगे। उससे पहले तो क्लैरिफिकेशन की बात ही नहीं होती। और सदगुरु का पार्ट टीचर के पार्ट से पहले है या बाद में? बाद में। सदगुरु का पार्ट तो बहुत सख्त पार्ट है, बाप और टीचर फिर भी रहमदिल बन जाते हैं लेकिन सदगुरु रहम नहीं करेगा। बाबा सदगुरु का सही चलेगा सदगुरु का पाठ तब चलेगा जब नंबर बार सदगति प्रत्यक्ष होने वाली होगी। आवाज मुझे में जो एक होता है आदम सुमारी का आदम सुमारी माने जनसंख्या की गणना की जाती है, जनसंख्या गिनी जाती है उसको कहते हैं आदम सुमारी। दुनिया में कितने आदमी हैं या किस धर्म में कितने आदमी हैं, किस देश में कितने आदमी हैं उसको कहेंगे आदमशुमारी। कुल्ले कुल्ले मत्स्य भिन्न के पास कौन जाता है लेकिन कुल्ले कुल्ले का आदमी है। कुल्ले माने बुद्धि, जो बुद्धि है ना वो तुंडे है। हरेक तुंड में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है। जिसने जब से जन्म लिया तब से उसको हजार नियामत ड्रामा प्लान अनुसार मिली हुई है। कौन सी?
है, ज्ञान नहीं मिलता है। जन्म लेते ही हरेक मनुष्य आत्मा को बुद्धि मिलती है, वो अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली हुई। जैसे जैसे जन्म जन्मांतर के जिसके जिसके कर्म, वैसी वैसी बुद्धि की हजार नियामत मिलती है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि है सबकी, किसी की एक जैसी बुद्धि नहीं है। इसलिए कहते हैं तुंदे तुंदे मत बनना, मति माने बुद्धि। बाबा हद में जो बताते हैं राम सेतु बना पानी के ऊपर, जो सब वो पुल माना गया, बेहद में पुल किसे माना जाएगा? ज्ञान का पुल। भक्ति मार्ग में तो लंका में समझते हैं रावण का राज्य था, लेकिन ज्ञान मार्ग में रावण राज्य का गढ़ कहाँ है? अभी जो रावण राज्य का गढ़ है, रावण राज्य कहो कौरव राज्य कहो, उसका गढ़ माने किला कहाँ है? जहाँ से सब पांडवों को देश निकाला मिलता है, प्रैक्टिकल में मिला या नहीं मिला? मिला। तो वो हो गया रावण राज्य। जहाँ जहाँ हाँ, माने तुम चलते फिरते सेंटर नहीं हो तो माउंट आबू जाने से डरते हो क्या? तो जाओ देखो निकाला मिलता है कि नहीं। नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा। हाँ तो रावण के दरबार से विभीषण को देश निकाला मिलता है, धृतराष्ट्र के दरबार से पांडवों को देश निकाला मिलता जरूर है। तो वो हो गई लंका रावण की। और जहाँ भगवान बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको तो लंका नहीं कहेंगे, कहते हैं कि पूरी किला का रावण का राज्य नहीं कहेंगे, कहते हैं पहले पूरी बात, पहले पूरी बात सुन लिया करो फिर बीच में बोला करो। दो शब्द हैं राम और रावण। राम की पाला और रावण की पाला। तो लंका में तो रावण की पाला हो गई, और राम की पाला जहां राम का वर्चस्व हो। तो राम की जो मति है, मति माने बुद्धि, और रावण की जो मति है, उसमें फर्क क्या है? है? राम की बुद्धि अभिविचारी बुद्धि और रावण की बुद्धि विविचारी बुद्धि। अभिविचारी मति अर्थात श्रीमत में से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान से जो पुल तैयार होता है, वो पुल का कनेक्शन रावण राज्य तक जुटा हुआ है। कहते हैं पत्थरों का पुल बनाया, दो बंदर थे जिनके हाथों से वो पत्थर तैराए जाते थे, नहीं तो पत्थर पानी में डूब जाता है या तैरता है? डूब जाता है। लेकिन वो पत्थर बुद्धि आत्माओं की बात है या पत्थरों की स्थूल की बात है? पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, वो पत्थर बुद्धि आत्माएं
नल और नील के नाम से विख्यात हुई। क्या नल, नल में से क्या निकलता है? पानी की धारा निकलती है। और नील कहते हैं विषैला। विष का रंग कैसा होता है? नीला होता है, काला होता है, हरा होता है। तो दो आत्मे विशेष हैं, एक राम और एक कृष्ण। उनका नाम रख दिया नल नील। उनके बुद्धि रूपी हाथों से वो पत्थर संसार सागर विषय सागर में तैराए जाते हैं। तो जो पत्थर तैराए जाते हैं उनमें बहुत से पत्थर ऐसे हैं जिनका कनेक्शन वो रावण राज्य से भी जुटा हुआ है। यहाँ की बात वहां पहुंचा देते हैं बाबा। नल नील में से तो जो पत्थर वहां बात को पहुंचाए देते हैं तो इधर की बात वहां पहुंच जाती है और उधर की बात कुछ ऐसे हैं जो उधर की बात यहां पहुंचा देते हैं। तो दोनों तरफ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब आज की बाहरी दुनिया में झगड़ा चल रहा है कि वो जो पुल है बाहर की दुनिया का वो तोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई पुल बना ही नहीं। तो वो तो बेहद की बात है। वास्तव में उस तरह का कोई स्थूल पुल बनने की तो बात ही नहीं। अच्छा स्थूल न सही, सूक्ष्म ज्ञान का पुल तो टूट जाने में फायदा है या जुड़े रहने में फायदा है? जुड़े रहने में फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर उनका उद्धार नहीं होगा तो विश्व कल्याण नहीं कहा जा सकता। पहले अपने परिवार का कल्याण या पहले दुनिया वालों का कल्याण? तो बीके वाले भी किस कुल के हैं? अपने ही कुल के हैं। बेसिक में हमने जन्म कहाँ से लिया था? उन्हीं से तो लिया था, उन्हीं ने तो परवरिश की थी। तो पुल टूटना नहीं चाहिए, पुल और समृद्ध अच्छा बनना चाहिए। अब बताओ भगवान, नल और नील आपने दो बताए हैं। हाँ। तो नल को बताया आपने ज्ञान जल से संबंधित है और नील को विषैला। हाँ। तो नील किसे माना जा रहा है? नील जो विष पीता है। विष पीता है, लंबा हो है। बाबा महाभारत में बलराम का जो जन्म दिखाते थे, विष्णु का तो दिखाते थे जन्म है बलराम है, उनका जन्म तो दिखाते थे। क्यों? रोहिणी से जन्म नहीं हुआ? बाबा तो बोलते कि सात बच्चों को पोस लिया। वो बच्चे अलग है, वो कोई नारायण वाली आत्मा नहीं है। राम वाली आत्मा नारायण वाली आत्मा है सतयुग में? नहीं, वो तो सतयुग में नारायण नहीं बनती। सत्युग में बाकी जो सात नारायण बनते हैं वो तो कब कलाओं वाले नारायण। रोहिणी ने जब योग बल से वो गर्भ धारण कर लिया ट्रांसफर करके, हाँ जी, तो देवी का ही था ना पहले तो है? देवी के गर्भ का ही था ना पहले तो? हाँ था गर्भ का, लेकिन उस गर्भ की सुरक्षा कर दी ना। वो भी तो देवी का पुत्र है ना। देवी की पुत्र है लेकिन योग बल कहाँ से ले लिया? अच्छा नक्षत्र कौन सा होता है? रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। तुम्हारी आत्मा जो है सृष्टि का पहला पत्ता है। हाँ। और जो ये सागर दिखाया ना शीतल के पत्ते पर कृष्ण अनुपम होता जुटता हुआ दिखाया ना है, तो वो जो पीपल का पत्ता है, है। वो तो जगदम्बा है ना। हाँ। तो पीपल का पत्ता नहीं है, वो बरगद का पत्ता है। सागर में जो सागर में
पीपल का पत्ता दिखाया गया है वो तो हिलने डुलने वाली आत्मा है। अब ब्रह्मा बाबा क्या घड़ी घड़ी हिलता डुलता था उस समय कि राम वाली आत्मा से भी ज्यादा डर हो गया था? साक्षात्कारों को एक था सुनाने वाला और एक था साक्षात्कारों के रहस्य को सुनकर के धारण करने वाला, कौन था? यज्ञ के आदि में साक्षात्कारों के रहस्य को सुनकर के धारण किसने किया सबसे जाती? ब्रह्मा बाबा। तो वो पीपल का पत्ता हुआ। हाँ, बरगद बात अलग और पीपल बात अलग। हाँ जी, बाबा मूर्ति बोलते हैं कि माता का पाठ जो है शिव ने बजाया ब्रह्मा के तन के द्वारा, और कभी कभी बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने बजाया माता का पाठ, और लास्ट में प्रतिष्ठा होगी तो कोई भी बीज होता है चाहे नीम का हो चाहे आम का हो, धरने का महत्व तो नहीं होता, धरने का तो महत्व तो होता है। तो ऐसे ही बीज तो शिव है, लेकिन जिस धरणी में प्रवेश किया वो धरणी बुद्धिमान नर कही जाए या दिलवाली कही जाए, बुद्धि में तीखी है या हृदय की भावना में तीखी है? भावना में तीखी है। और लास्ट में प्रतिष्ठा हुई तो स्त्री रूप में होती है ना अधिगम्बा की, किसकी प्रत्यक्षता होती है? त्रिमूर्ति की लास्ट में। त्रिमूर्ति की जब प्रत्यक्षता होती है तो प्रत्यक्षता सबसे पहले बाप की होगी या और मूर्तियों की होगी? बाप की प्रत्यक्षता होती है। हम भी, हमको भी बाबा ने क्या बताया, पहले पहले किसका परिचय देना है? बाप का परिचय देना। बाबा आज ही जो अंत बताया है मुरली ने, हाँ जी, तो आदि में राजा है घर बार छोड़कर भाग गए, तो अंत में रानी हमारे ही बोला है, ऐसा नहीं बोला कि फिर अंत में राजा ही भागेंगे? ऐसा इसलिए हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो कब होगा? क्या वही आत्मा फिर जन्म करके स्त्री बोला मैंने रानी के रूप में? अरे एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो वहाँ वो पुरुष थे, वो छोड़ करके चले गए, हिसाब किताब बन गया कि नहीं बन गया? अब रानिया बिचारी कहाँ जाए, वो तो अक्की बक्की रह गई, तो वो दुख नहीं होता है? मान दुख पड़ गया। अब वो हिसाब किताब कहाँ पूरा हो? एक संग में हुआ कि हिसाब किताब पूरा होता है। पुरुषार्थ में ऐसा ऊंचा उड़ेंगी जो उड़ीसा के लिए बोला कि कोई पकड़ न सके। अभी तो पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं ना इसको, है चिड़िया को नहीं। जो भी सेंटर पे हैं उनमें कन्या माताओं की नहीं चल रही है अब, चाहे सेंटर से है और चाहे जोनल आश्रम है, छोटे सेंटर से है या बड़े सेंटर से है, उनमें वर्चस्व किसका है? भाइयों का है या कन्या माताओं का है? भाइयों का है। पकड़ के बैठे हुए ऐसा भी चाहे मैं आवेगा, पकड़ उनकी ढीली हो जाएगी। हाँ, नहीं तो कोई भी ब्रह्मा कुमारियां अपने सेंटर से ट्रांसफर क्यों नहीं होना चाहते? क्यों नहीं ट्रांसफर हो रही है? कब से बोला हुआ अव्यक्तवाणी में आगे चल करके ट्रांसफर करेंगे, फिर ट्रांसफर होते क्यों नहीं? माया मोह के जाल में जकड़ गए,
उनको कोई हिला नहीं सकता, ट्रांसफर हो नहीं सकते। बाबा देखने में आता है इंद्रधनुष के सात रंग जो दिखाई देते हैं, इनका ब्राह्मणों की व्यवस्थित दुनिया में क्या अर्थ लगाया जाए? सात नारायण ही सात रंगों वाले हैं। ये कहा भगत भर दे रे झोरी, माने भगत भर दे रे झोरी या ज्ञानी भर दे रे झोरी? कौन भर दे रे झोरी है? गायन किसका है? भक्त भर दे रे झोरी। भक्तों ने 63 जन्म जो भी भक्ति की है वो भगवान की झोली भरी, या जो भी भक्ति नहीं आई तुम सब भक्तियां हो, उन भक्तियों ने भगवान की झोली भरी या दुनिया वालों की झोली भरी? दुनिया वालों की झोली भरी। अभी भगवान आया हुआ है, वो भक्तिनों से कहता है तुम सब भक्तियां हो, हे भक्तियों अभी मेरी झोली भर दो, मेरे द्वार खड़ा भगवान है, भगत भर दे रे झोली, तेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जन्म जन्मांतर तो औरों की झोली भरी, अभी मेरी झोली भर दे। क्या मांग रहा है? धन मांग रहा है? संपत्ति मांग रहा है? घर बार मांग रहा है? क्या मांग रहा है? विकार। जो विकारी सुख है वो सारे भक्तियों ने दुनिया वालों को लुटाए हैं। अभी बाप कहता है कि ये बेकार की चीज रह गई, इसमें कागविष का समान सुख है, अब सुख है नहीं, इसलिए तू मेरे को दे दे। अब वो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, सब भक्ति है। ऐसी तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें भक्ति के संस्कार कुछ न कुछ रहे ना, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है तो भक्ति का अंश मात्र नहीं होता है। बाबा जो आत्मा है जिस परिवार में जन्म लेती है तो दोबारा शरीर छोड़ने के बाद उसी परिवार में जन्म लेती है, उसी परिवार में उसी मतलब सर्कल घूमता है उनका, मतलब जो उनका परिवार होता है हिसाब किताब जिनसे होता है तो वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए उसी परिवार में, माने एक ही जन्म होता है? नहीं, बार बार जन्म, पिछले जन्म का हिसाब किताब नहीं है, जो ऊपर से आत्मा उतरती है, ऊपर से जो आत्मा, ऊपर से जो आत्मा उतरती है उसमें, उस ऊपर से उतरने वाली आत्मा कोई के पीछे उतरी होगी ना, जिसके पीछे उतरी है उसी परिवार में जन्म लेगी। इब्राहिम के पीछे पीछे जितने भी उतरेंगे वो किस परिवार में जन्म लेंगे? इस्लाम धर्म में ही यहाँ पर जन्म लेते रहेंगे जब तक दूसरा धर्म पिता ना आ जाए, और बाद में भी उतरते रहेंगे। भगवान ने बताया ना विनाश पर जो है ना आगे चल के खत्म हो जाएंगे, तो जो आत्मा शरीर छोड़ जाएंगे वो तो पुनर्जन्म देंगे, शरीर से हार निकलेंगे, प्रवेश करके जन्म देंगे। जो अकाले मौत में मरेंगी, भूकंप आएगा, मल्टी स्टोरीज मकान गिरेंगे, वो तो अकाले मौत होगी ना होंगे। तो जो अकाले मौत में मरेंगी
उन आत्माओं का ये अंजाम होगा कि वो भूत प्रेत बने टाइम पर मरेंगे। हाँ नहीं, सहज मौत मरेंगी, और अंत में तो सहज मौत मरने वालों की संख्या कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। खून की संख्या कम होती जाएगी और अचानक मौत मरने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। ज्ञान तो सभी बाबा से लेंगे, तो प्रवेश होके लेंगे सभी आत्मा को, जो प्रवेश करने वाले हैं वो प्रवेश करके ज्ञान लेंगे। जिनका अपना शरीर होगा, जिन्होंने पाप कर्म जन्म जन्मांतर कम किए होंगे, वो शरीर के साथ अंत तक पुरुषार्थ करेंगे। बाबा यहाँ पर देह में अकाले मृत कैसे होंगे? रास्ते चल रहे हैं, ट्रक ने कुचल दिया तो सहज मौत हुई या अकाले मौत हो गई? अगर ट्रक ने न कुचला होता तो और जिंदगी जीता या नहीं जीता? बाबा ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में नूंद है लेकिन अचानक है या सहज सहज है? अचानक है। बाबा ये अकाली मौत को जो है पूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म है, जो कर चुके हैं, कोई ने जघन्य पाप किए हैं और कोई ने अच्छे कर्म किए हैं, रोक सकते हैं? नहीं, उपाय करते हैं लोग, मंत्र पढ़ते हैं, जाप करते हैं। वो मंत्र जाप करने से कोई के रुके हैं? पाप कर्म भस्म करने का कोई को तरीका मिला है? किसी को तरीका नहीं मिला। ये तो बाप ही आकर के बतलाते हैं कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे। आप भी विचारी याद करेंगे तो तेजी से भस्म होंगे, और बीच बीच में दूसरों की याद करते रहेंगे तो धीमी गति से भस्म होंगे। कहते हैं भक्ति में कि मैं गंगा हो सामने लेकर श्यामला हो, इसका अर्थ क्या होता है? मैं तुलसी का हो सामने गंगा का तट हो श्यामला लेकर हो, इसका अर्थ क्या होता है? अब स्थूल गंगा जल की तो बात ही नहीं है ज्ञान में। कौन से ज्ञान जल की बात है? हैं? चैतन्य गंगा की बात है और चैतन्य ज्ञान जल की बात है। लेकिन जो ज्ञान है वो कन्याओं माताओं के मुख से अच्छा लगता है, ज्यादा फायदा करता है, या दुर्योधनों दुशासनों के मुख से सुना हुआ ज्ञान ज्यादा फायदा करेगा? कन्याओं माताओं के मुख से सुना हुआ ज्ञान ज्यादा फायदा करेगा। इसलिए बाबा भी मुरली में कहते हैं कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना सुनाना अच्छी बात है, अच्छा लगता है, क्योंकि धारणा ज्यादा कन्याओं माताओं में होती है। अब एक बात तो पूरी कर लो। तो ज्ञान गंगा जिसको भगवान के सर पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है, वो सर पर क्यों बैठाई गई है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? हाँ, जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है उसको माँ बाप प्यार में आकर के सर के ऊपर रख लेते हैं। और प्यार किस बात से आता है? कोई अच्छा काम करने वाला होता है तो उसके ऊपर प्यार आता है। तो जो सेवा का काम है
वो औरों के मुकाबले थोड़े समय में ज्यादा अच्छा काम, अच्छी सेवा जितनी गंगा ने की है उतनी और कोई ने नहीं की है। क्योंकि गंगा ही निमित्त बनती है बेसिक नॉलेज को पहले ग्रहण करने के लिए और एडवांस ज्ञान को भी पहले ग्रहण करने के लिए। ज्ञान भी पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान होता है। तो एडवांस ज्ञान भी पहले पहले जिस कन्या ने सबसे जास्ती ग्रहण किया वो गंगा है और वो गंगा जब मैदान में आती है तो बहुत सेवा करती है। उसके मुख से जो ज्ञान निकलता है वो पवित्रता की कोटि का होगा या पवित्र मुख वाला होगा? पवित्रता की कोटि का। इसलिए गंगा का मान और नदियों में सबसे जाती है। ऐसे भारत की सभी नदियों का मान है, सभी नदियों में स्नान करते हैं, विदेशों की नदियों में स्नान नहीं करते। क्यों? क्योंकि विदेशी जो चैतन्य नदियां कन्याएं माताएं हैं वो विविचारिणी बनती हैं और भारतीय कन्या माताएं अब विविचारी वृत्ति वाली होती है नंबर वार। इसलिए जब प्राण तन से निकले तो किसका ज्ञान मुख में हो? गंगा का ज्ञान, गंगा के मुख से सुनाया हुआ ज्ञान मुख में होना चाहिए और तुलसी दल मुख में होना चाहिए। तुलसी कौन है? है? तुलसी एक काली है, एक गोरी है। एक के काले पत्ते और एक के गोरे पत्ते। गोरे पत्ते वाली तुलसी घर परिवार में लगाई जाती है, आंगन में रखी जाती है, और काले पत्ते वाली तुलसी आंगन में पनपेगी नहीं। क्या आंगन में रखेंगे तो खत्म हो जाएगी, जंगल में पलती है। कौन बाबा क्या है बड़ा अरे कट्ठे बाबा के आ लिया करो तो कारण क्या है बाबा को ज्ञान समझ में आ रहा है? ओ बप है है ये छोटा बच्चा है क्या? छोटा बच्चा हाँ तो ज्ञान समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये तो तुम दरवाजे पर खड़े हो जाया करो छोटे बच्चे बाएं करते रहते हैं, सबका बुद्धियों खींचते हैं। मेरे साथ बाबा उनकी माताओं को बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये पाप चल रहा है, तुम ऐसा क्यों करती हो? दादी अम्मा चाची अम्मा को देके आया करो। हाँ काली तुलसी कांटों के जंगल में पनपती है, घर परिवार में बंध करके नहीं रहती। वो काली है, ज्यादा काले कर्म करने वाली है। और गोरी तुलसी काली तुलसी के मुकाबले इतनी काली नहीं है लेकिन फिर भी उस तुलसी को आंगन में रखा जाता है, बेडरूम में बेडरूम में नहीं रखते। आंगन में दास दासियां बैठती हैं या रानी महारानी बैठती हैं? कुछ न कुछ बेवफाई हो जाती है,
तो आंगन में रखी जाती है। लेकिन फिर भी विशेषता भक्ति मार्ग में ये दिखाई है कि भगवान को भोग तब ही लगाया जाएगा जब तुलसी का पत्ता भोग में डाला जाए। का मतलब कि वो जो आत्मा है दोनों निमित्त हैं, काली तुलसी और गोरी तुलसी, वो जब तक सरेंडर ना हो जाए भगवान के सामने पहले पहले, क्या पहले पहले वो तन मन धन से सरेंडर हो तब दूसरों का भोग लगेगा, नहीं तो भोग स्वीकार स्वीकार नहीं होता। इसलिए अज्ञातवाणी में बोला है सन 83 है तो 83 में 13 होना चाहिए ना, कि 83 से पहले कोई ब्रह्मा कुमारी भगवान की बनी नहीं है, बने थे भगवान प्रत्यक्ष हुआ था तो प्रत्यक्ष नहीं हो तो बनी कहां से माँ थी है माँ कौन माँ थी ब्रह्मा माँ थी तो दाढ़ी मूछ वाला था ब्रह्मा थी अरे दाढ़ी मूछ वाला का भोग लगाया जाएगा नहीं नहीं दो माताएं हैं दो माताएं हैं दो माताएं हैं ना हाँ दो तो उनका पाठ खुल गया था पाठ तो नहीं खुला था। फिर मारेगा कौन जब बाप का ही पाठ यज्ञ में नहीं खुला तो उन दोनों माताओं को कैसे खुल जाएगा। और हाँ ओ उमा हाँ माने ब्रह्मा ओ माने विष्णु माँ माने महेश बाबा जी जो योग गुण राम जो बाबा जो है कह रहे हैं कि हम सबका परिवर्तन कर देंगे है? बोलते हैं तन मन मतलब तन को और मन को हम स्वस्थ कर देंगे पूरी दुनिया में योगा करा कर तो इसका क्या रहा जितने भी शिव हम कहने वाले भगवान हुए उन सब ने यही तो कहा क्या कहा हम दुनिया की मुक्ति दिलाए देंगे तो वो कह रहे हैं तो क्या बड़ी बात हो गई। इससे पहले शरीर का योग किसी ने नहीं सिखाया था, इससे पहले प्राणायाम की प्रक्रियाएं हजारों साल पहले से नहीं चली आ रही। हाँ ये है कि ये ऊपर से आई हुई नई आत्मा है इसलिए इनका मान मर्तबा ज्यादा है। जब ये भी पुरानी हो जाएगी तो इनका मान मर्तबा भी ऐसे ही ठंडा हो जाएगा जैसे आचार्य रजनीश का ठंडा हो जाता है। ऐसे फिर और कोई आत्मा नहीं कोई और आ जाएगी वो भगवान बन के पत्थर चोने लगे। स्वर्ग तो कोई भी नहीं बनाता, अब स्वर्ग बनाता है तो बनाने की प्रक्रिया पहले हमें समझाए, हम ऐसे ही मान लेंगे। तो रामदेव के पास कोई प्रक्रिया आपने समझी हो तो बताओ। दुनिया बहुत पीछे दुनिया तो और गुरुओं के पीछे भी बहुत दौड़ती है, दुनिया की तो भेड़ चाल है। बाबा मुरली में बोला गया है कि ज्ञान में न चलने वाले परिवार अगर एक भी बच्चा एडवांस ज्ञान निकल गया तो उसके पीछे पीछे सब आ जाएंगे पूरा परिवार आ जाएगा। हाँ तो कब आएंगे जब कभी भी आएंगे विनाश होने से पहले पूरा परिवार का परिवार भगवान बाप को जितना पहचानेगा उतना और धर्म वाली आत्माएं नहीं पहचानेंगी। क्यों उनमें क्या खासियत है? उनमें ये खासियत है कि जो अलौकिक परिवार वाले ब्राह्मण हैं बेसिक वाले वो हमको धक्का देते हैं परिवार से निकल जाओ बाहर
देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। और ये परिवार वाले ऐसे हैं कि विरोध तो करते हैं ज्ञान का, लेकिन हमको धक्का धक्का नहीं देते। तो कौन से अच्छे? यही अच्छे, इसलिए ये वरदान मिला हुआ है। कि पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, भगवान को मानेगा। नहीं, महाराजा बना देने अरे हमारे परिवार ही का है तो हमारा परिवार वाला तो महाराजा बनना चाहिए। राम राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, और गायन भी राम का है। राम नाम सब सत्तर मुक्ति है, और सुबह उठते थे पब्लिक राम राम भाई राम राम, ठीक है। फिर अभी राम फेल हो गया, ये तो एक अजीब लगता हुआ सुनने वाला, और ये राम फेल हो गया। राम का नाम तो दुनिया में है, हर जगह राम का नाम है, राम का नाम सर्वोपरि है, हर प्रकार से, और राम से बड़ा राम का नाम है। और बात आई पत्थर की, जब वो समुद्र में बाहर गया तब तो राम लिखा गया, पत्थर पर रहेगा राम लिखा जाएगा उसके ऊपर, तो लक्ष्मी नारायण को बड़ा दिखाया है और राम को छोटा कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? राम का नाम जो है वो नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा थी या नहीं थी? थी, कुछ काम करके दिखाया है? काम कुछ करके दिखाया नहीं? जैसे दुनिया में और बड़े बड़े हुए, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो बड़े बड़े हो गए, लेकिन काम कुछ भी करके दिखाया नहीं। तो फेलियर कहा जाए या पास होने वाला कहा जाए? फेलियर हो गया। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एक बार फेल हो गया वो अंत तक या फाइनल परीक्षा में भी फेल हो जाएगा। जब पास हो जाता है औरों के मुकाबले पहले पास हो जाएगा और ज्यादा नंबरों में पास हो जाएगा तो काम करके दिखाया ना, तो संसार में नाम होगा। भगवान शास्त्रों में लिखा है कि पार्वती ने शंकर की झोली भरी है, पार्वती ने अव्वल नंबर, पार्वती ने शंकर की झोली भरी, तो अव्वल नंबर पार्वती तो पवित्रता की देवी और देवभान से भी ऊपर है, तो कौन सी शूटिंग का क्या चार्ज कर रही है? लक्ष्मी कौन सी झोली भरती है और जगदम्बा से सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है वो भी झोली भरती है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्यों जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि जगदम्बा से तो सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, लक्ष्मी क्या है, वो तो एक ही मनोकामना की पूर्ति करती है। लक्ष्मी देवताओं का पक्ष लेती है। अच्छा, ये मतलब नहीं है, श्रेष्ठता के हिसाब से कौन श्रेष्ठ है और कौन नंबर वार की लिस्ट में है? सिर्फ धन, वो तो सिर्फ धन, ज्ञान धन देती है या फूल धन देती है, समझ लो भक्ति मार्ग के हिसाब से ईश्वर का दिया हो देती है, एक ईश्वर का दिया हो देती है। हाँ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किसी की क्या मनोकामना पूरी करेंगे, हमारे पास कखपन है, कचरा है, क्या है, क्या है हमारे पास? कचरा ही कचरा है, हम क्या देंगे दूसरों को?
हाँ भगवान का दिया हुआ अगर हम वो देंगे दूसरों को, उसका महत्व समझ करके दूसरों को समझाएंगे, तो वो असली चीज थी। इसलिए लक्ष्मी है अव्वल नंबर देवी और जगदम्बा है बाद वाली। जगदम्बा जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? नारी से लक्ष्मी बनना जीवन का लक्ष्य है। जो भगवान का दिया हुआ है वो बांटना है। हमारे पास अपना है, रूप स्वरूप है, और वो रूप स्वरूप के आधार पर हमने किसी को संतुष्ट कर दिया। वाचा है, वाचा के आधार पर हमने सुना सुना के किसी को संतुष्ट कर दिया। ये बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात नहीं है। ये तो जैसे हमने देह अभिमानी की चीज दूसरों को दे दी, इसको आत्मा अभिमानी नहीं कहेंगे। भगवान का दिया हुआ हम आपको दे रहे हैं, हम अपनी चीज नहीं दे रहे हैं, वो बड़ी बात है। बाबा मूल्यों में कई बार ये सुना है कि शिव बाबा जो है सृष्टि में हमेशा कायम है, तो वो परम धाम जब चले जाते हैं तब भी कायम है? परम धाम में जो बैठने वाला ज्योतिबिंदु शिव है, वो ही तो ये बात बताता है कि मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और जितनी भी आत्माएं होती हैं उनके शरीर का नाम होता है। क्या उनकी आत्मा का नाम नहीं होता है? और मेरी बिंदु रूप आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का नाम शिव है, वो आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है, उसको शिव बाबा नहीं कहेंगे। क्या उसको शिव बाबा नहीं कहेंगे? उसको शिव बाप कह सकते हैं। तो शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है, लेकिन शिव बाबा माने वो शिव बाप इस सृष्टि पर आकर जिस मुकर्रर रक्तधारी की आत्मा को आप समान बना के जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वो शिव बाबा है। दोनों में अंतर है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता। और सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु वो शिव बाप है, वो परम धाम में रहता है, इस सृष्टि पर सदाकाल नहीं रहता है। इसके बगैर उसका परिचय नहीं मिलता, और उसके बगैर इसका परिचय नहीं मिलता। अव्वल नंबर सीता अव्वल नंबर रावण की जेल में, अव्वल नंबर रावण की जेल में। ये कौन सी मुरली में है? अव्वल नंबर सीता, वो तो चलो समझ में आता है। है ये है ही नहीं, नंबर हमको नहीं याद है बाबा, पर किताब रावण जो है रावण की जेल में, वो रावण कहा ही जाता है बेबिचारी को, और अव्वल नंबर सीता को बेबिचारी थोड़ी कहेंगे, वो तो अब बेबिचारी है, वो जेल में होती ही नहीं है। अगर जेल में अनुभव करे तो उसको साक्षात्कार होंगे, उसको भगवान बहलाएगा। अगले संगठन वो कैसेट ले आना, और वो उसी पॉइंट पे लाके यहाँ सुना देना। किताब भी ले आना, दो दो चीजें ले आना। चल बाबा,
बाबा बेसिक में हमको टाइटल मिला था कि आप बाप दादा के नैनों में समाए हुए नूरे रतन हो। हाँ। तो इसका मतलब हमें आज तक क्लियर नहीं हुआ है। बाप दादा के नैनों में? हाँ, तो बाप दादा के नैनों में समाए हुए नूरे रतन। नूर, नूर कहते हैं रोशनी को। आँखों में जो रोशनी है उसको नूर कहते हैं। और बाप है शिव, और राम वाली आत्मा के लिए दादा है ब्रह्मा। तो उन बाप दादा का माने ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए और शिव बाप के लिए नूरे रतन कौन हुआ है? है? वही है कि आदि वाली दोनों आत्मा जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली वो नूर है, रतन है, नूर है, एक दाइया और एक बाइया। शिव बाबा के अलावा और कोई दुनिया में ऐसी कोई आत्मा है जो जन्म मरण के चक्कर में नाचती? शिव बाबा के अलावा? शिव बाबा के अलावा? शिव के अलावा इस शक्ति पर एक शिव सुप्रीम सोल के अलावा एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है। अगर होती तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताने योग्य हुई या नहीं हुई? अगर कोई आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है कोई दूसरी आत्मा शिव के अलावा तब तो ठीक है। अगर कोई दूसरी आत्मा है तो जन्म मरण के चक्र में तो आती ही नहीं, उसको सारे चक्र का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो है किसी को नहीं। एक शिव ही सूर्या है सबसे अलग थलग जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो ही आकर के हमको ये राज बताता है। राम वाली आत्मा के 84 जन्म राम वाली आत्मा ही पहले बताएगी या कोई दूसरा बताएगा? राम वाली आत्मा बताएगी, और हम तो राम वाली आत्मा है नहीं। इसलिए हम तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि अव्यक्तवाणी में बाबा ने ये बोला है कि बाप दादा कोई का पार्ट बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बता देंगे। जो होगा वो अपने आप अपने मुख से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्तव्यों से अपने आप को संसार में प्रत्यक्ष कर देगा। तो हमसे तो पूछना बेकार है। बाबा ने लाडेश्वर भगवान मिले हैं, लाडेश्वर भगवान, लागेश्वर, हाँ वो पुष्कर में उनकी मतलब वो होता है, वहाँ जाने पर लोग कहते हैं छू लेने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। है? सारे रोग खत्म हो जाते हैं स्पर्श करने से, खत्म हो जाते हैं। वो रहने वाले हमारे गोंडा की है आरती मित्रा, पहले आपने छुआ? नहीं, हमको नहीं है बाबा, आपको डर लगता है? के रहने वाले हैं पहले ठेका काम करते हैं। हाँ, तो आप जाकर के पहले प्रैक्टिकल करके देखो, तब तो सभा में बात बोलो, फालतू बात क्यों बोलते? पहले हाथ लगा के देखो। हाँ, भक्ति ज्ञान और वैराग एक साथ कैसे रह सकते हैं? अरे एक साथ कैसे रहेंगे? भागवत ने दिखाया एक साथ, भागवत ने दिखाया, भागवत किसने बनाई? मनुष्यों की बात क्या सच्ची होती है? बाबा तो बोलते हैं जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है, ये ज्ञान की निशानी है।
जितना जितना ज्ञान मिलता जाएगा उतना उतना भक्ति मार्ग की प्रक्रियाओं से बुद्धि योग हटता जाएगा। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, अज्ञान मार्ग जिंदाबाद। भक्ति की बातें जितनी हमारे जीवन में निशानी दिखाई दे रही है तो समझ लो ज्ञान नहीं है। और भक्ति मार्ग की एक भी निशानी न दिखाई पड़े माना उतना ही जाप्ती हमारे अंदर ज्ञान समाया हुआ। तो साथ साथ नहीं रहते क्या भक्ति और ज्ञान? जहाँ भक्ति है वहां ज्ञान का नाम निशान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। हाँ, ज्ञान होने से इस दुनिया से चित्त वृत्ति हट जाएगी। ज्ञान माना बाबा 84 का पूरा चैप्टर जब मालूम पड़े तभी ज्ञान माना जाए। ज्ञान माना ड्रामा का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ज्ञान माने बाप की पहचान, ज्ञान माने अपनी आत्मा के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद की पहचान। बाबा भक्ति की निशानी क्या है? है? भक्ति की निशानी क्या है? भक्ति की निशानी देखो माथे में सी लगी कि नहीं, उल्टा उल्टा है कि नहीं? नहीं है लगे है। तो बोलते हैं कि जब ज्ञान मिल जाएगी तो भक्ति छूट जाएगा और बाप किधर से बोल रहे पता ही नहीं। हाँ जैसे ज्ञान मिल जाती है तो विवाद मिल जाता है, हाँ, तो भक्ति की निशानी तो अभी है तो फिर ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी तो कोई जीतेगा दुनिया में? कोई ज्ञानी ज्ञानी का मुकाबला कोई संसार में करेगा? नहीं करेगा। बाप कैसे मिलाते बाबा? ज्ञान नहीं रहा पूरा तो बाप कैसे मिला? ज्ञान अगर मिल तो गया, सुनाने वाले ने सुना दिया, हमने सुन लिया, नहीं दूसरे व्यक्ति ने समझा भी दिया और हमने समझ लिया, लेकिन जीवन में धारणा प्रैक्टिकल में देखने में नहीं आ रही। चलो हम धारणा करें भी तो जो विरोध करने वाले हैं वो हमको धारणा करने नहीं देते, तो हम उनसे कमजोर हैं या हम ज्ञानी तू आत्मा सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं? क्या साबित हुआ? सब सत्यवान बाप के बच्चे तो नहीं है। तो बाबा थोड़ा जान भी भक्ति का रहेगा तो करे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आखिरी में ये अंजाम होगा कि जिनमें जिनमें भक्ति के संस्कार होंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भक्ति की निशानी दिखाई पड़ेगी, पकड़ में आएगी और वो छोड़ने में असमर्थ है, चाहे दुनिया वालों के अपोजिशन के कारण असमर्थ है, तो भी उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भाई नहीं है सर? कोई नहीं, बिंदी से नहीं लगी। चलो बिंदी बिंदी नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन धंधा दौड़ी लगी पड़ी कि नहीं? तो फिर ये काई की निशानी है? बाप ने तो बताया मेरे सेवा में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, फिर काई के लिए धंधे दौड़ी लगी? ये भक्ति नहीं है। भक्ति डरपोक होती है या ज्ञानी डरपोक होता है? भक्ति डरपोक होती है। दौड़ी करने के लिए बाबा ने बोला है, खाली नहीं रहना है बिल्कुल भी। एक सत्व प्रधान धंधा दौड़ी होती है और एक तमो प्रधान धंधा दौड़ी होती है। एक धंधा दौड़ी वो है जिसके लिए मुरली ने बोला सब धंधों में है नुकसान, तो तमो प्रधान है या सत्व प्रधान है? वो तो तमो प्रधान है, वो करना जरूरी है, है? तमो प्रधान आत्मा होगी वो तमो प्रधान को सपोर्ट करेगी, और सतो प्रधान आत्मा होगी तो
तो प्रधान धंधा दौरी को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी? करेगी अगर बाबा जैसे कि किसी को कोई बीमारी लग जाती है परिवार में हाँ? तो वो बोलता है मुझे फलानी देवी मिले चलो तो वो ठीक है हाँ? तो अब मजबूरी में जाना पड़ता है उसके साथ तो आपकी मार कहलाएगा क्या कहलाएगा आप में ताकत है तो अपनी योग बल की ताकत से उसे ठीक कर दो नहीं वो बोलता है तुम बोल के बोलने की बात छोड़ दो आप में योग बल की इतनी ताकत है तो आप योग बल से उसे ठीक करके दिखाओ अगर नहीं ताकत है तो जो साधन से लोग निरोगी बन रहे हैं उस साधन से उसको निरोगी बना दिया जाए तो आपको दुआएं मिलेंगी या बददुआएं मिलेंगी दुआएं मिलेंगी तो भक्ति मार्ग तो नहीं होगा क्या तो भक्ति मार्ग तो नहीं होगा हमारे पास वो ताकत नहीं है हम अपनी ताकत से उसे नहीं बना सकते हैं तो जैसा भी हम सहयोग उसे दे सकते हैं वो सहयोग दे करके हम उसको दुखदर्द को दूर कर रहे हैं तो हर्जा क्या है